तीतरम हरियाणा राज्य के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है। यहाँ आने पर जब मैंने महिलाओं के साथ बातचीत की तो महिलाओं ने अपनी समस्याओं से मुझको अवगत कराया। जो दलित समाज के लोग हैं वो सोच के लिए मतलब बहुत ही परेशान है। आजकल तो जगह नहीं है, जो पंचायती जमीन थी वो लोगों ने कब्जा कर लिया है। बाकी सड़क के किनारे महिलाएं रात के अंधेरे का इंतजार करती रहती हैं, या 5 बजे जाएंगी या शाम को 7 बजे के बाद जाएंगी, जो महिलाओं के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। उनको महिलाओं को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। क्या आपके घर में शौचालय है? नहीं जी, हमारे घर में कोई शौचालय नहीं है। और आपके गाँव में? गाँव में है जी, ऊपर जैसे जमींदार लोग हैं, जो सर्विस मैन है उनके घर में है, गरीब के घर में कोई शौचालय नहीं। अब बताइए कि आप मतलब टॉयलेट के लिए कहां पर जाते हो? हम जिस सड़क के पास है नजदीक सी उस पे जाते हैं। और मतलब वहां पर जाते समय मतलब आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? वहां पर दिक्कतें आती हैं जी, सड़क के ऊपर साधन भी आते हैं, कभी ट्रैफिक कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, बाद में उठना पड़ता है, दिक्कतें हैं जी। महिलाओं को सोच जाने से एक तो जी सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी महिला को मान लो कि दस्त है, कोई बीमारी है, दिन में जाना है तो मतलब कहीं जगह नहीं है, तो वो रात के अंधेरे का इंतजार करती है। और रात के अंधेरे में एक अकेली महिला जा नहीं सकती, क्योंकि शराब पीने की वजह से लोग सड़कों पर घूमते रहते हैं, दो दो चार चार को इकट्ठा जाना पड़ता है। और फिर भी अगर मान लो कोई लाइट वाला आ गया, कोई स्कूटर वाला, कोई साधन वाला आ गया, तो लाइट आ गई तो फिर दोबारा उसको उठना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि वो जाके 10 मिनट में आ जाएगी। यहाँ पर दलित व पिछड़ी जाति महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण ये महिलाएं खुले वातावरण में शौच जाने के लिए विवश हैं। मैं चाहता हूँ कि कैथल जिले के तीतरम गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए, ताकि महिलाओं को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं अमित कुमार, इंडिया अनहर्ड के लिए।